हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इजी पॉट पेंटिंग टेक्निक्स बताने वाली हूँ इन प्लास्टिक पॉट्स के ऊपर। इस टाइप के प्लास्टिक पॉट्स हम सभी के पास होते हैं। मैं अपनी बालकनी के लिए प्लास्टिक पॉट्स ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, लेकिन ये दिखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे इस पॉट का कलर भी फेड हो गया है काफ़ी समय से धूप में रखे होने की वजह से, तो मैंने सोचा कि इन्हें पेंट करके जो मार्केट में फैंसी पॉट्स आते हैं या फिर सिरेमिक के पॉट्स आते हैं उनके जैसा लुक क्रिएट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप जाके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट है हाइड्रो डिपिंग मेथड, जिससे इस टाइप का मार्बल इफेक्ट क्रिएट होगा। इसके लिए आपको इस टाइप का एक गहरा कंटेनर चाहिए होगा और उसे हमें प्लास्टिक से कवर कर लेना है ताकि जो कंटेनर है आपका वो पेंट से ख़राब ना हो जाए। फिर हमें इसमें हल्का गुनगुना पानी लेना है। पानी इतना ही लें कि जब हम इसमें पॉट डिप करें तो वो कंटेनर से बाहर ना गिरे। अब मैंने पॉट को वाइट इनेमल पेंट से बेस कोट कर लिया है और पॉट के बॉटम में जो होल्स हैं उन्हें टेप से कवर कर लिया है ताकि पॉट का सॉयल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब ना कर ले। अगर आप खाली पॉट में कर रहे हैं तो भी होल्स को कवर कर लीजिए ताकि पानी होल से अंदर ना जाए। मैंने यहाँ कुछ डिफरेंट कलर के इनेमल पेंट्स लिए हैं। अब मैं इन्हें इस तरीके से स्टिक की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी में डाल दूँगी। कोशिश करें कि आप पेंट को जितना हो सकता है उतने नीचे से डालें, क्योंकि अगर आप ऊपर से डालेंगे तो पेंट जो है वो पानी में सिंक हो जाएगा। मैं यहाँ ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। आप सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दो तीन चार, जैसा भी आपका मन हो उतने कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमें टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से स्वर्ल बनाते हुए दोनों पेंट्स को मिक्स कर लेना है। बेसिकली मैं जो पेंट के ड्रॉप्स हैं उन्हें ब्रेक कर रही हूँ ताकि पेंट जो है इवनली सारी जगह स्प्रेड हो जाए। अब हमें पॉट को इस तरीके से कंटेनर के बिल्कुल सेंटर पे पानी में डिप करके निकाल लेना है। और इस तरीके से बहुत इजीली हमारे पॉट पे ये मार्बल इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैंने पानी इतना ही लिया था ताकि ये पॉट के इस रिम तक ही पेंट्स लगें। ब्लू और रेड उतना विजिबल नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ येलो और रेड के कॉम्बिनेशन का भी स्वर्ल बनाकर दिखा रही हूँ। और सेम वे हमें इस पे भी पॉट डिप कर लेना है। दूसरा पॉट पेंट करने से पहले जो पहले पॉट का थोड़ा पेंट पानी में रह गया उसे इस तरीके से कोई भी एक वेस्ट पेपर डिप करके आप क्लीन कर लें। पेंट जो है सारा पेपर पे स्टिक हो जाएगा। मैंने ऐसे तीन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से पॉट को पेंट कर लिया है और इनका लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है। नेक्स्ट है ये ड्रिपिंग इफेक्ट। इसके लिए सबसे पहले मैंने सरफेस पे एक पुराना न्यूज़पेपर बिछा लिया है ताकि पेंट से सरफेस ख़राब ना हो। यहाँ भी मैंने पॉट को वाइट इनेमल पेंट से बेस कोट कर लिया है और हमें इसके लिए पॉट को इस तरीके से अपसाइड डाउन रखना है। यहाँ आप एम्प्टी पॉट्स ही यूज़ कर सकते हैं, तो जब अगर आप कोई नया पॉट लाएँ या फिर जब आप अपने पॉट को रिपॉटिंग के लिए खाली करें तब ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरीके के फ्लैट ब्रश की ज़रूरत होगी, उसे पेंट में डिप करना है और एक्सेस पेंट को हटा लेना है और फिर उसे इस तरीके से पॉट में प्रेस करते हुए पेंट को लगा देना है और जो पेंट है वो इस तरीके से ड्रिप होता हुआ ड्रिपिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। और हमें पूरे पॉट के अराउंड ऐसे ही करते जाना है।
आप किसी भी साइज का फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं। बस फर्क इतना ही है कि आप जितना बड़ा ब्रश लेंगे आपको उतने कम स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे, छोटे ब्रश में आपको ज्यादा स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे। अगर आपको पेंट कहीं एक्स्ट्रा ड्रिप होते हुए दिख रहा हो तो उसे इस तरीके से एक खराब कपड़े की हेल्प से वाइप आउट कर लीजिए। और इस तरीके से हमारा ड्रिपिंग इफेक्ट भी बहुत इजीली पॉट में क्रिएट हो गया है। मैंने यहाँ इस पॉट पे येलो कलर से ड्रिप्स बनाए थे जो कि अब ड्राई हो गया है, तो मैं इस पे एक दूसरे कलर का लेयरिंग करूँगी। आप चाहे तो सिंगल कलर ही रहने दे सकते हैं, या फिर आप अपने पॉट के बेस को किसी दूसरे कलर से पेंट कर सकते हैं और ड्रिपिंग इफेक्ट किसी दूसरे कलर से दे सकते हैं। और ये भी मैंने 3 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के लिए कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ इन पॉट्स पे सिरेमिक पॉट जैसा लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। इसके लिए मैंने पॉट पे जो पहले से रिम का डिज़ाइन दिया हुआ था उसे यूज़ करते हुए बॉटम और टॉप पे डिफरेंट कलर से पेंट कर लिया है और सेंटर पार्ट को वाइट ही रहने दिया है। यहाँ अगर आपके पॉट में ऑलरेडी कोई प्लांट है तो आप इस तरीके से टेबल या किसी स्टैंड पे उसे रख के, नीचे प्लेट रख के उस पे न्यूज़पेपर लगा दीजिए और आप इस तरीके से उसे आसानी से प्लेट की हेल्प से मूव करके पेंट कर सकते हैं। पेंट है जो वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैंने इस टाइप के कुछ छोटे ब्रशेस लिए हैं। अब मैं इनमें सेम कलर से रफली ऐसे कुछ फ्लावर्स ड्रॉ कर लूंगी। आपको फ्लावर्स ड्रॉ करते हुए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आप इन तीनों मेथड से अपने पॉट्स को बहुत अच्छा मेकओवर दे सकते हैं। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे घुमाते हुए मैंने ऐसे 3-4 फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए हैं। आप यहाँ इनेमल पेंट्स की जगह एक्रेलिक कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पॉट्स आउटडोर में यूज़ करूँगी इसीलिए मैंने इनेमल पेंट प्रेफर किया है क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अब मेरे पास ब्लैक इनेमल पेंट नहीं था तो मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और इससे मैं इस पर बॉर्डर्स बना लूँगी। सबसे पहले मैं इन रिम्स पर बॉर्डर बना रही हूँ। और फिर फ्लावर्स पे भी बॉर्डर बना के सेंटर में इस तरीके से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जो खाली स्पेस रह गया था उसमें भी इस तरीके से मैंने फ्लावर्स को जॉइन करके ब्लैक कलर से ही कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं। और हमारे ये पॉट्स भी रेडी हैं और ये बिल्कुल ही सिरेमिक के पॉट्स जैसा ही लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इनमें से कोई भी मेथड ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।